हमारे पुतोह को चार पांच लड़का मिल करके रास्ते गायब किए हुए हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, दो चार घर हम लोग हैं ने, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार हैं घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल करो। इसी के ने अथी ले करके खीस भी ले करके हमारे पुतोह और पोती को, जो है पोती जो है शादीशुदा है, उसको राते से लेकर के भागे हुए हैं। बेगूसराय को नफरत की आग में झोंकने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। पटकथा लिखने वालों ने फर्जी दास्तान को सोशल मीडिया के सहारे चिंगारी भी दे दी थी। अब इन्हें बस शहर के जलने का इंतजार था। लेकिन बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने साजिश करने वालों के चेहरे बेनकाब करते हुए शहर को बड़ी साजिश का शिकार होने से बचा लिया। दरअसल मंगलवार को जिले में एक खबर तेजी से वायरल हुई कि दो महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार हुआ और फिर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश हुई। हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है। हमारे गाँव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, दो चार घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार हैं घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल करो। इसी के ने अथी ले करके खीस भी ले करके हमारे पुतोह और पोती को, जो है पोती जो है शादीशुदा है, उसको राते से लेकर के भागे हुए हैं। तो ने मुस्लिम जाति का मुस्लिम है, पता नहीं उसको मुस्लिम ने शादी करके मुस्लिम बना के रखेगा कि उसको बेस्या बना देगा या क्या करेगा, उसका पता नहीं है हमको। वो सब लड़का है घर में आता है, दारू गांजा पीने का अड्डा बना दिया है। सिंघौल से निकली हुई इस खबर ने कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया। हिंदू परिवार के साथ गंदी हरकत और फिर धर्म परिवर्तन की खबर ने पुलिस को बेचैन कर दिया। लिहाजा एसपी योगेंद्र कुमार ने मोर्चा संभाला और अपनी टीम को तुरंत मामले की पड़ताल का आदेश दिया। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो पूरा मामला ही सिरे से पलट गया। सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में जांच कर रही टीम ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुबोध शाह ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी एक विक्षिप्त इंसान से करवा दी थी। ससुराल में उनके साथ मारपीट होती थी। उसके बाद पुत्री जब वापस मायके आ गई तो अपनी माँ को सारी कहानी बताया तथा ससुराल जाने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर सुबोध शाह अपने पिता के साथ मिलकर पत्नी व पुत्री के साथ बराबर मारपीट करने लगा। परेशान होकर पार्वती देवी ने अपनी बेटी के साथ घर छोड़ दिया और मुंगेरीगंज में किराए के मकान में जाकर रहने लगी। लेकिन यहां आकर भी दोनों बाप बेटा मारपीट करने लगे, जिससे परेशान होकर पार्वती देवी ने सिंघौल थाने को आवेदन दे दिया। आवेदन की जानकारी मिलने के बाद फंसने के डर से सुबोध शाह ने अपने परिवार का धर्मांतरण एवं दुष्कर्म का आरोप लगाया, जबकि पूछताछ में स्पष्ट हो गया है कि वह तीनों युवक मोहम्मद जाहिद, शहीद एवं अरमान उनके पड़ोसी हैं और घर में बराबर मारपीट किए जाने पर वे लोग बचाने आते थे। इस कारण उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है। मामला हम लोग के संज्ञान में आया था तो बेगूसराय पुलिस की जो साइबर सेल की टीम है और हमारे एसटीपीओ सदर, मैंने इनको जांच का जिम्मा दिया था। इसमें हम लोग ने जांच किया तो इस मामले को पूरी तरह से उसमें गलत पाया गया है। जिस महिला की बात की जा रही है, पार्वती देवी और उसकी बेटी, जिनके किडनैपिंग और जबरन धर्म परिवर्तन की बात की गई है, ये दोनों ही महिला, उनकी बेटी इस समय बेगूसराय के महिला थाना में उपस्थित हैं। दोनों का बयान लिया गया है। बयान में इन्होंने बताया है कि इनका जो पति है और इनका जो ससुर है वो लगातार इन दोनों के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट का कारण ये था कि आज से एक साल पहले इनके ससुर और पति ने इनकी जो बच्ची है उसकी जबरन नाबालिग रहते हुए शादी करा दी थी। ये बच्ची पढ़ना चाहती है, तो जीवन में कुछ बनना चाहती है और जिस आदमी से जबरन शादी करा दी थी वो मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहां जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए। ये बात जैसे ही इनके ससुर को पति को पता चली तो वो लोग उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है
कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन तीन लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। तो संभवतः यहाँ पे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ससुर ने और पति ने अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसियों के खिलाफ एक आवेदन दे दिया जिसमें कि तथ्यहीन बातें की गई हैं। तो पार्वती देवी उसकी बेटी का बयान हम लोग ने रिकॉर्ड किया है और महिला थानों को मैंने आदेश दिया है इनके ससुर पे और पति पे FIR दर्ज करके उस पर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो कराएं। मैंने ये भी कहा है कि इसमें NGO को इन्वॉल्व करके, जो इनकी बेटी है पढ़ना चाहती है, जिसकी नाबालिग रहती है शादी करा दी, तो इसमें भी जो सहायता बन सकती है वो भी हम लोग कराएंगे। और इसमें जिन लोगों ने आवेदन बना करके डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की है, मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की है, उन पर भी जो IPC की धाराएं हैं उनके तहत जो कड़ा से कड़ा एक्शन है वो भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर। क्या लगा ये सारा सर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये फेक खबर है? देखिए, इसमें जिस महिला उसकी बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको किडनैप किया, धर्म परिवर्तन किया, वो दोनों तो महिला थाना में बेगूसराय में, उन दोनों का बयान लिया गया, वीडियोग्राफी कराई गई है, उन्होंने खुद ये बताया कि ये बात पूरी तरह से गलत है। इनके पति और ससुर ही इनको प्रताड़ित कर रहे थे, बेटी की जबरन शादी करा दी, अब उसको ये फोर्स कर रहे थे कि जाके पति के यहाँ रहो। और उसकी जो माँ है पार्वती देवी, उसके साथ भी ये लोग लगातार मारपीट करते थे। इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए इस टाइप का एक तथ्यहीन आवेदन बना के FIR कराने की कोशिश की, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने उसकी समय पर जांच की, हमारे STPO सदन ने पूरे मामले की जांच की है, महिला थाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो वो पूरा मामला गलत पाया गया है। तो इस टाइप का गलत मामला बना के इसको जो वायरल करने की कोशिश की गई है, इस पे हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन भी लेने वाले हैं। साफ तौर पर पीड़िता का परिजन का जो आरोप है, उन्होंने बयान दिया इस तरह के कि दो तीन जो लड़के हैं वो उन पर आरोप लगाया है कि इस तरह से मुस्लिम बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, ये उनका परिजन का आरोप है। तो क्या कहां तक जांच पहुंची? ये जो जांच कराई गई है ये बात पूरी तरह से गलत पाई गई है। इसमें ये बताया है जो पार्वती देवी उसकी बेटी ने कि जब ये लोग इनके ससुराल वाले ही इनको प्रताड़ित करते थे तो ये लोग मुंगेरीगंज में जाके रहने लग गए थे, दूसरे घर में किराए पे, और जब इनके ससुराल वाले वहां जाके इनको जबरन दबाव बनाते थे, मारपीट करते थे, तो यही पड़ोस के तीन लड़के, ये पड़ोसी है, ये आके बीच बचाव करते थे। भाई आपके मोहल्ले में कोई रोज मारेगा पीटेगा तो पड़ोसी तो आएगा इंटरवीन करने। तो इन लोगों ने, इनके ससुराल वालों ने एक तथ्यहीन आवेदन बना के इस प्रकार का मामला क्रिएट करने की कोशिश की गई है, इस पे भी हम लोग एक्शन लेंगे। SP ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कुछ लोगों ने गलत आवेदन दिलवाने एवं सोशल मीडिया पर उसे वायरल करने में मदद की है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपब्लिकन न्यूज बेगूसराय। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।